हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक छोटा मिनी इन्वर्टर बनाने वाले हैं जो कि बिल्कुल कम से कम कीमत में हमारा बन जाएगा। यहाँ पे मैंने जो इन्वर्टर की किट ली है, ये इन्वर्टर की किट मैंने अमेजोन से मंगाई है और इसका जो प्राइस है ये 199 है। तो इस किट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इस तरीके के ट्रांसफार्मर हमारे घरों में पुराने जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आते थे, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आते थे, उसमें हमें ये मिल जाते हैं। जैसे कि पुराने जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं उनसे ही मैंने ये जो ट्रांसफार्मर है ये निकाला हुआ है। ये ट्रांसफार्मर 12012 का है। आपको ध्यान देना है 12012 का ही ट्रांसफार्मर इसमें यूज हो सकता है। यहां पे इसका जो एम्पियर है ये 3 एम्पियर आउटपुट करता है। जो ये ट्रांसफार्मर है, जब इस ट्रांसफार्मर से हम मिनी इन्वर्टर बनाएंगे वो हमारा 100 वाट का बनेगा। इसी जगह पे अगर हम 6 एम्पियर या 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लेंगे तो हमारा लगभग लगभग 200 या 250 वाट का हमारा इन्वर्टर तैयार हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको इस ट्रांसफार्मर और ये हमारी जो किट है 199 की, इस किट से एक इन्वर्टर तैयार करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पे इस किट को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये 2 किटें मंगाई थी, हालांकि हमें एक ही किट की जरूरत है और इससे हम ये अपना मिनी इन्वर्टर जो है इसको बना पाएंगे। तो इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं इस तरीके से। मैं आपको किट दिखा देता हूँ कि किस तरह की हमारी किट है। तो इसका जो परचेज लिंक है मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे हमारी जो किट है वो कुछ इस तरीके की है ये किट। तो इस किट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको किस तरीके से आपको इस ट्रांसफार्मर के साथ अटैच करना है ये पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी बाइंडिंग है जहां से एसी इनपुट होता है और ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग है। सेकेंडरी बाइंडिंग में ये 0 वाला लूप है इन 2 तारों में। इसके साथ अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलता है और ये जो सेंटर का वायर है इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट मिलता है। मतलब ये 0 वोल्ट का है और ये 12 माइनस और ये 12 प्लस, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा वो हमको 24 वोल्ट मिलेगा। जबकि इसके साथ इसका वोल्टेज 12 और इसके साथ इसका वोल्टेज 12 है। तो इस ट्रांसफार्मर की जो हमें कनेक्शन करने हैं वो मैं आपको बताता हूं। इस वीडियो में मैं आपको जो इन्वर्टर बनाने जा रहा हूं उस इन्वर्टर से सिर्फ हम इन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, जबकि इस किट का इस्तेमाल करके हम इन्वर्टर को बैटरी से चार्जिंग के लिए भी बना सकते हैं। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने पहले, आज से कम 10 साल पहले मैंने इस तरह के इन्वर्टर जो है अपनी वर्कशॉप में बना के और बेचे थे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये वायर है ये हमारा जो पॉजिटिव, हमारा बैटरी का पॉजिटिव होगा उसके लिए है। ये जो 2 वायर्स हैं इन 2 वायर्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी इन्वर्टर की किट है इसके जो मॉस्फेट के चैनल हैं, इस चैनल में आपको किसी भी एक मॉस्फेट को हल्का सा खोल लेना है जिस तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम एक ही स्क्रू हल्का कर लेते हैं, इस तरीके से खोल लेते हैं। सेम यही प्रोसेस हमें इस साइड भी करना है, थोड़ा सा स्क्रू लूज कर लेना है। इसके बाद ये जो दोनों वायर्स हैं इन वायर्स को हमको क्या करना है, एक एक चैनल में हमको इस तरीके से इसको इसके नीचे जो हमारा मॉस्फेट है मॉस्फेट के नीचे हमें दबा देना। तो इस तरीके से मैंने मॉस्फेट में थोड़ा सा ये जगह बना ली है जहां पे मैं एक वायर जो है इसको लगाने वाला हूं। आप देख पाएंगे यहां पे हम इस तरीके से ये वायर जो है इसके नीचे इस तरीके से लगा देंगे। इसके बाद हमको ये क्या करना है, सिंपली इसको स्क्रू कर देना है। इस तरीके से आप इसको स्क्रू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो दूसरा चैनल है इस चैनल पे भी एक वायर हमको दबा देना है सेम प्रोसेस से। मैं ज्यादा आपको क्रिटिकल नहीं करना चाहता हूं वीडियो की, ज्यादा मैं क्रिटिकल करूं आपको सिंपली मैं समझा देता हूं। यहां पे हमने दोनों साइड के जो चैनल है उनमें लगे मॉस्फेट में दोनों वायर्स जो है हमारे जो 12 और 12 इस साइड के जो दोनों वायर्स है इनको जोड़ दिया है। अब सिंपली जो हमारा ये सेंटर का वायर है ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है, यहां पे बैक साइड में आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि ये 2 आपको होल्स दिखेंगे, इसमें से आपको ध्यान देना है। यहां पे आप देख सकते हैं जो हमारा बी प्लस है, यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे बी प्लस का होल हमारा ये वाला है, इस साइड वाला, यानी इस साइड वाला जो होल है इसमें आपको बैटरी का, जब आप इसमें पॉजिटिव जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें बैटरी का आपका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, जब इसमें बैटरी का पॉजिटिव जोड़ेंगे तो हमारा इन्वर्टर चालू हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, हम यहां पे इसको कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, यहां पे इसकी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। इसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। बाकी आप स्वयं से जब बनाएंगे तो यहां पे एक स्विच लगा सकते हैं। तो मैंने ये यहां पे कनेक्शन कर दिया, आप देख पा रहे होंगे इसको प्रॉपर्ली, आप देख लीजिए कि कहां पे मैंने कनेक्शन किया है। इस तरीके से इसका कनेक्शन करने के बाद तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो हमारे ये ट्रांसफार्मर के इनपुट के वायर हैं जो एसी इनपुट होती है, इन वायर्स को हम आउटपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे मैं एक होल्डर लगा देता हूं कि आपको टेस्ट करके दिखा सकूं। तो चलिए इस होल्डर में इसके कनेक्शन जो है, दोनों जो हमारे इनपुट के वायर्स हैं इनको हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहीं से हम अब आउटपुट लेंगे। तो इस तरीके से हम जो वायर्स हैं इनको हम इस होल्डर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये जो इन्वर्टर है ये बहुत सिंपल इन्वर्टर है और इसको हमने इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पे कनेक्ट कर दिया है। मैं अभी ज्यादा कुछ इसमें लगा के नहीं दिखा रहा हूं, आपको सिंपली प्रोसेस बता दे रहा हूं। तो इस तरीके से मैंने जो होल्डर है उसके कनेक्शन कर लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे यहां पे मेरे जो सारे कनेक्शन है वो हो चुके हैं। अब हम इसमें एक सिंपली एक क्या करते हैं कि एक एलईडी बल्ब आपको चेक करके दिखा देते हैं। ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है
और यहाँ पे हम जो हमारी बैटरी के कनेक्टर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे बैटरी के कनेक्टर्स हैं, इनसे हम इस पे सप्लाई देते हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि इस साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी माइनस लिखा हुआ है, ये बड़ा सा होल है, इस पे आपको बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है इस पे आपको कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से आप इसको वायरिंग कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में ज्यादा नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहाँ पे कनेक्ट किया ये वायर तो हमारा जो इन्वर्टर है ये चालू हो चुका है। और इस इन्वर्टर में आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना या घटाना है तो यहाँ पे इस साइड पे आउटपुट लिखा है, ये आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, जितना चाहे हम कम ज्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। और अगर हमको बढ़ाना है वोल्टेज या घटाना है तो घटा सकते हैं। इस साइड का फ्रीक्वेंसी का है ये हमारा, तो इससे हमारा जो इसमें हमिंग आएगी कम ज्यादा करने पर, तो आप अपने हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से जो हमारा इन्वर्टर है वो इन्वर्टर हमारा कम्प्लीट हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो इन्वर्टर है, एक सिंपल सा इन्वर्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से आप भी इन्वर्टर जो है घर पे बना सकते हैं, पुराने हमारे ट्रांसफार्मर का यूज हो जाएगा। और आप अगर कुछ प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस तरीके का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।